जय माता दी। जय माँ भद्रकाली चौकी से मैं माँ की लाडली बेटी। आप सब बार बार मुझे बोल रहे थे कि माँ गुप्त नवरात्रों की विधि बता दीजिए, तो ये वीडियो मैं उसी पे बना रही हूँ, गुप्त नवरात्रों के बारे में। तो पहले तो ये है कि जो हमारे गुप्त नवरात्रे हैं वो कब से हैं। गुप्त नवरात्रे हमारे 3 जुलाई 2019 से 11 जुलाई 2019 तक हैं। 3 जुलाई 2019 से 11 जुलाई 2019 तक हैं। अब ये जो हमारे नवरात्रे हैं ये किस लिए किए जाते हैं, जो गुप्त नवरात्रे हैं। पहले तो ये जो गुप्त नवरात्रे हैं ये 10 महाविद्याओं के बारे में होते हैं, जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में उनके पिक्स वगैरह डाले हैं, आप देख लीजिएगा। ये 10 महाविद्याओं के होते हैं जो कि गुप्त रूप से जिनकी पूजा होती है, जिनके नाम हैं माँ काली, माँ तारा, माँ षोड़शी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ दुमावती, माँ पीताम्बरा, माँ मातंगी, माँ कमला। इनके बारे में मैं ज़्यादा भी नहीं बताऊंगी, मैं बाद में इसके लिए स्पेशली वीडियो डालूंगी, पर मैंने पिक्स वगैरह इनमें शॉर्ट आउट करके इसमें डाल दी हैं, आप देख लीजिएगा, सबके स्वरूप की मैंने डाली हैं। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि होते क्या हैं। नवरात्रि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं साल में 4 होते हैं, 2 सामान्य और 2 गुप्त। सामान्य जो हैं वो चैत्र और अश्विन में आते हैं, जिन्हें प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, और गुप्त नवरात्रे आते हैं माघ और आषाढ़ में। माघ और आषाढ़ में आने वाले जो नवरात्रे हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। सामान्य नवरात्रों के बारे में मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी, आप लोग मेरी वीडियो देख लेना, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम बात करते हैं गुप्त नवरात्रों के बारे में। गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं? गुप्त नवरात्रे वो होते हैं जो कि गुप्त रूप से किए जाते हैं, जिनके बारे में हम किसी को कुछ भी ना बताएं, हर तरीके से गुप्त। जैसे कि लोग जो सामान्य नवरात्र हैं उनमें क्या करते हैं, तिलक लगा लेते हैं या और भी जो चीज़ें होती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में हमें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, ये बिल्कुल गुप्त रूप से। तो गुप्त अब गुप्त रूप से जो नवरात्रे हमारे होते हैं उनमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो वो, सामान्य लोग भी गुप्त नवरात्रे कर सकते हैं, मैंने बताया ये है, लेकिन अगर गुरु के सानिध्य में किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में साधना जो है वो तंत्र मंत्र की जाती है, तांत्रिक रूप से की जाती है। मंत्र भी होते हैं और तंत्र भी होते हैं, तो गुप्त रूप के जो नवरात्रे हैं वो गुरु के सानिध्य में ही करें। गुप्त नवरात्रों में जो इनका फल जो है वो इस प्रकार है कि जैसे हम नॉर्मल कोई भी मंत्र या सिद्धि करते हैं उनके हमें 108 या 21,000 या 1,00,000 मंत्रों का जाप करते हैं तब हमारा मंत्र सिद्ध होता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में वही मंत्र हम 51 या बहुत कम संख्या में उसको सिद्ध कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में इसका सबसे ज़्यादा फायदा इनका ये होता है। अब कई लोग पूछते हैं कि माँ गुप्त नवरात्रों में जो है हम भोग किस चीज़ का दें, पूजा कैसे करें, तो वही मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कि नवरात्रि हमें समझना है, नवरात्रि का मतलब क्या होता है। नवरात्रि का मतलब है होते हैं 9 रातें। 9 रातें मतलब कि पूजा जो है वो रात को करना अनिवार्य होता है। जो लोग व्रत करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं नवरात्रों में, नवरात्र की पूजा, रात की पूजा अनिवार्य होती है। सुबह की पूजा हम ना भी करें तो चलता है, लेकिन रात्रि की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। अब गुप्त नवरात्रे लोग पूछते हैं माँ कब आते हैं, तो गुप्त नवरात्रे जो हैं बहुत सिंपल सा एक इनका हम आँक सकते हैं इनको कि कब आते हैं। ये जो ऋतु परिवर्तन होते हैं गुप्त नवरात्रे तब आते हैं, क्योंकि जब ऋतु परिवर्तन होते हैं तो बहुत सी बीमारियाँ या बहुत से मेंटली हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो गुप्त नवरात्रों में जब हम व्रत करते हैं तो शारीरिक कष्ट और मानसिक दुख दुविधाओं से हम लोग परे रहते हैं, जो लोग गुप्त नवरात्रों की पूजाएँ करते हैं या व्रत करते हैं। अब आता है कि गुप्त नवरात्रों की विधि क्या है। विधि इनकी सामान्य नवरात्रों की तरह ही रहेगी, मैं इसमें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। बस इसमें एक चीज़ का आपको थोड़ा सा डिफरेंट रखना है, या एक चीज़ नहीं करनी है कि खेती नहीं बीजनी है, इसमें खेती नहीं बीजनी है, पूजा की विधि जो है सेम रहेगी। अब लोग पूछते हैं कि माँ
गुप्त नवरात्रों में भोग क्या लगाना है। तो माँ दुर्गा को तो हम किसी भी तरह के सात्विक भोग लगा सकते हैं, जैसे पांच प्रकार के फल, पंचमेवा या पांच प्रकार की मिठाई, कोई भी। लेकिन अगर किसी के पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो सबसे आसान है माँ दुर्गा को लौंग बताशे का भोग दिया जाए। हाँ, माँ लौंग बताशे के भोग को दुर्गा माँ जो बहुत प्रसन्न होकर के लेती हैं वो हमें देना चाहिए। अब लोग पूछते हैं माँ हमारा आहार कैसा हो, तो आहार नवरात्रे चाहे गुप्त हो चाहे सामान्य हो सात्विक आहार होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए और सबसे ज़्यादा अपने विचारों पर हम लोगों को कंट्रोल रखना है। अब इसमें बहुत सी लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत से लोग के इनमें क्या चीज़ें वर्जित हैं, तो वर्जित इनमें वही मांस मदिरा का जो है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये कि तीन चीज़ें हैं जो माँ को बिल्कुल भी अर्पण नहीं करनी चाहिए, वो हैं दूध, आक और तुलसी। ये माँ दुर्गा को बिल्कुल भी पूजा में अर्पण नहीं करनी है, इन बातों का आप खास कर ध्यान रखें। अब लोग कहते हैं कि माँ हमारे पास समय नहीं है कि हम अखंड जोत जलाएं, हम क्या करें, हमें माँ की पूजा करनी है, हम कैसे करें। तो अखंड जोत जो लोग नहीं जला सकते हैं वो लोग माँ का घी का दिया सुबह और शाम जला सकते हैं, सुबह और शाम घी का दिया जला सकते हैं। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि नवरात्रि की पूजा रात को ज़्यादा महत्व माना जाता है, तो सुबह भी ना जलाएं, रात का तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप रात को ज़रूर करें, ये ध्यान रखना है। अब लोगों ने मुझसे पूछा है कि माँ हमें साधना करनी है, हमें मंत्र करना है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि माँ अपने गुरु के सानिध्य में करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हैं जो सामान्य लोग भी सामान्य तरीके से कर सकते हैं, तो मैं वो बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो सब लोग जानते हैं कि नवरात्रि में नरवाण मंत्र का बहुत महत्व होता है, तो आप नरवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं, और अगर सुबह को ना हो तो रात्रि में ज़रूर कीजिए। वही अगर अखंड जोत है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो सुबह शाम का दिया जलाइए और 108 माला का प्रतिदिन 9 के 9 दिन नरवाण मंत्र का जाप कीजिए, आपका नरवाण मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जो लोग नरवाण मंत्र कर चुके हैं या जो लोग नरवाण मंत्र नहीं करना चाहते, तो एक और जो है माँ दुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, ये करें। इसका भी सेम ही है कि 108 मालाओं का जाप सुबह शाम कीजिए, सुबह ना हो तो शाम को कीजिए, अखंड दिया ना हो तो सुबह शाम के दिए के साथ कीजिए। इस मंत्र का जो ओम दुम दुर्गाय मंत्र का जो लाभ है वो ये है कि जो लोग कहते हैं कि हमें दुर्भाग्य ने घेर लिया है, जो लोगों को असफलता मिल रही है, उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी मंत्र है। इनका आप ज़रूर नवरात्रों में जाप कीजिए, 108 मंत्रों का रोज़ 11 मालाएं रोज़ करनी है तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि माँ कर्जा हो गया है, नौकरी नहीं है, और कुछ लोग हैं जो एक खास हमारे ही ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जामा भद्रकाली ग्रुप से, उन्होंने भी कहा है कि विवाह वगैरह नहीं होता है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो माँ की स्थापना करें, लाल कपड़े पर माँ की स्थापना करें, और एक बात का ध्यान रखें कि जो लोग हैं कई बार चार मुंह वाला दिया जला देते हैं नवरात्रों में माँ के सामने, तो वो नहीं करना है। एक मुंह वाला दिया नवरात्रों में माँ के सामने जलाना है, और इवन जो है माँ दुर्गा के सामने एक मुंह वाला ही दिया जलाया जाता है, तो वो ध्यान रखें। दूसरा ये है कि जो लोग नौकरी से दुखी हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है या जिनकी नौकरी बार बार चली जाती है या जिन पे कर्जा है, उन लोगों को क्या करना है कि नवरात्रि में रात के समय 9 बताशे लेने हैं और हर बताशे पर एक लौंग का जोड़ा लगाना है, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, वो एक एक बताशा और दो लौंग का लौंग फूल वाली लगा करके एक के बाद एक माँ दुर्गे के सामने अर्पण करनी है, एक के बाद एक 9 बताशे 9 दिन ये लगातार करना है, तो माँ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी, नौकरी में आई हुई दिक्कतें जो भी हैं वो दूर हो जाएंगी। कर्जे को उतारने में भी ये बहुत महत्व रखता है, ये जो उपाय मैंने बताया है ये करें। एक और लोग हैं जिनके जो कहते हैं माँ हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये विवाह में दिक्कत आ रही है, तो उनको क्या करना है कि घी का दिया, ये नौकरी वाले को भी करना है और विवाह वालों को भी करना है, कि घी का दिया सुबह शाम जलाएं, सुबह शाम ना हो तो अखंड जलाएं, जैसे भी आपकी सुविधा हो वैसे जलाएं। पूजा जो है वो रात के समय कीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि लाल फूल लेने हैं, लाल फूल माला हो या फूल हो, गुड़हल हो या गुलाब हो, जो भी आपके अवेलेबल हो वो लें, और माँ के सामने 9 के 9 दिन अर्पित करने हैं। लेडीज़ हैं तो माँ के गले में पहना सकती हैं माला है तो, और पुरुष हैं तो चरणों में
अर्पण करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ये करेंगे तो विवाह संबंधी जितने भी आपकी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। गुप्त नवरात्रों में ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं हर चीज़ आपको समझा सकूँ, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है या कोई डाउट्स रह गए हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब ये ध्यान रखना है कि गुप्त नवरात्रों में पूजा अर्चना कैसे करनी है। सबसे पहले तो नाम ही गुप्त नवरात्रे हैं, आजकल तो खैर गुप्त रहे नहीं, सबको पता है, लेकिन फिर भी नाम ही गुप्त नवरात्रे हैं। तो अपनी पूजाएं जो हैं वो बिल्कुल गुप्त रखनी है, अपनी मनोकामना बिल्कुल गुप्त रखनी है, किसी को नहीं बताना है। जैसे हम नवरात्रों में क्या करते हैं, तिलक विलक लगा लेते हैं और निकल जाते हैं, दाढ़ी वाड़ी या बाल वाल नहीं कटवाते हैं तो लोगों को पता लगता है, बता देते हैं भाई ऐसा क्या हुआ कि भाई नवरात्रे हैं। गुप्त नवरात्रों में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये जितना गुप्त होगा आपको उतना ही लाभ मिलेगा। यानी गुप्त नवरात्रों की पूजा जो है पूरी तरह से गुप्त ही रखनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो मैं लाइव होकर के आपको बता ही दिया करती हूँ, अपनी तरफ से मैंने सब कुछ बताया है। 3 जुलाई से ये नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 11 जुलाई तक चलेंगे। अब बहुत से लोगों ने पूछा कि माँ ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए जो सब लोग कर सकें, तो वो एक मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आप सब लोग कर सकते हैं। वो मंत्र जो है वो हर तरीके की दुख दुविधा बाधा को दूर करता है। तो वो मंत्र इस प्रकार है, सभी जानते हैं, दुर्गा सप्तशती में भी इसके बारे में है बताया गया है। मंत्र है, देही में सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परम सुखम, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो देही। जैसे कि इस मंत्र के बारे में हर चीज़ के बारे में बताया गया है, सौभाग्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, परम सुख के बारे में, रूप के बारे में, जय के बारे में और यश के बारे में हर चीज़ बताई गई है। तो ये मंत्र का जाप आप 108 बार रात्रि के समय नवरात्रों में करें, चाहे गुप्त हों चाहे सामान्य हों, 11 मालाएं के रोज़ करनी है तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। इससे आपके जीवन की हर दुविधा हर कष्ट दूर होंगे। जो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं वो लोग क्या करें, वो लोग सामान्य नवरात्रे हों या गुप्त नवरात्रे हों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बस यही सब था आज के लिए बताने के लिए। जय माता दी।